हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ और आपको बता दें जो जो जेके एस एस बी ने एडवर्टाइज़मेंट नंबर थर्ड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू की थी उसकी लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है और अब आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको बता दें कि इस जो एडवर्टाइज़मेंट है उसमें फाइव हंड्रेड प्लस पोस्ट है जिनके लिए टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएट के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं इन पोस्ट्स के लिए तो फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं उससे पहले हम जो ये टेलर एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइजमेंट नंबर थर्ड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो जेके एस एस बी है हम इसमें देखेंगे कि इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं किन किन डिपार्टमेंट्स में पोस्ट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पोस्ट एडवर्टाइज़ हुए हैं वो कौन कौन से है तो चलिए देखते हैं आपको बता दें कि टोटल जो पोस्ट्स है वो है पाँच सौ तीन और इसमें जो डिपार्टमेंट हो गया वो है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में दो सौ अस्सी है इसके साथ साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में दो सौ है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में चार असामिया है और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में उन्नीस असामिया है आपको बता दें ये एडवर्टाइजमेंट जो है उसको आज से उसकी लिंक जो है वो ओपन हुई है और लास्ट डेट होगा वो होगा 20 जुलाई 2021 को तो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट इस एडवर्टाइज में है एडवर्टाइजमेंट में है तो वो आपको बता दें तो चलिए आप देखते हैं जहाँ आप देख सकते हैं साइंटिस्ट की पोस्ट है जूनियर सिकर सिटीनोग्राफ़र है ड्राफ्टस मैन है जूनियर इन्वॉर्मेंटल इंजीनियर है फील्ड इंस्पेक्टर है असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है रिसर्च असिस्टेंट है और जूनियर असिस्टेंट है लेबोरेटरी असिस्टेंट है फील्ड असिस्टेंट है और भी बहुत सारी इसमें है और सबसे ज़्यादा आपको देखनी होगी तो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सटिनोग्राफ़र की ही मिलेगी और उसके साथ साथ फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर है और और आपको बता दें ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है जूनियर लीगल असिस्टेंट है असिस्टेंट फूड एनालिस्ट है और मिस्ट्री है वाइल्ड लाइफ गार्ड है ड्राइवर की भी पोस्ट है इसमें तो आपको बता दें कि ये इन पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि टेंथ वाले भी एक कुछ पोस्ट है ट्वेल्थ के बेसिस पे भी कुछ पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल के बहुत सारे पोस्ट है और कुछ पोस्ट हैं जिनमें मास्टर्स डिग्री भी होनी ज़रूरी है तो अब देखते हैं हम कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए आपको अपने किसी भी जो ब्राउज़र होगा उसमें जाके जे के एस एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है सर्च करना है जे के एस एस बी डॉट एन आई सी डॉट इन तो उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो आप सीधे ऑफिशियल साइट पे जाएंगे यहाँ पे आपको जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर थर्ड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी और उसके साथ साथ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं हालांकि अप्लाई की लिंक आपको अभी यहाँ पर नहीं दिखाई देगी लेकिन लिंक एक्टिवेट हो चुकी है तो वो लिंक आप कहाँ से देखेंगे उसके लिए आप यहाँ पे एडिट ऑप्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर टू ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर थर्ड और यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुकी है तो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे और फिर आगे अप्लाई तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली होगी वो ये है कि जो लड़का पहली बार अप्लाई कर रहा है जे के एस एस बी के पोस्ट के लिए तो उसको यहाँ पे पहले साइन अप करना होगा यानी उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उसके बाद ही वो जो है लॉगिन कर सकता है और जो ऑलरेडी जिसने कुछ फॉर्म्स भरे हो गए जे के एस एस बी के इस वेबसाइट से उसको सिर्फ अपना ई मेल आई डी और पासवर्ड दे के जो है आगे वो बढ़ सकता है तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी लॉगिन था तो मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे मेरा जो है वो डैशबोर्ड आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने एप्लीकेशंस भरी होगी वो भी यहाँ पे मिलेगी आपको लेकिन आपको यहाँ पे जो है फ़िलहाल ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते सारे पोस्ट अवेलेबल है फिर जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर एंड कंटिन्यू के बाद आप आगे चले जाएंगे यहाँ पे आपको जो है फिर अपनी मर्जी के कैडर और डिस्ट्रिक्स डिविजन्स जो है उनको सिलेक्ट करके एंड कंटिन्यू करना होगा और इसके बाद आगे आपको पर्सनल डिटेल्स देनी होगी और एड्रेस डिटेल्स फ़िल करनी होगी और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फ़िल करनी होगी और उसके साथ साथ आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है तो फाइनली आपको फिर पे करना होगा और हर एक एप्लीकेशन के लिए जो फ़ी है वो है थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ और जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो आपका एप्लीकेशन आई डी जनरेट होगा और फिर आप आसानी से जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर माई एप्लीकेश में देख सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है आपकी रजिस्ट्रेशन जो है इस उस पोस्ट के लिए वो कंप्लीट मान जाए मानी जाएगी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू